कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कोरल ड्रा, तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा। कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं आइकन पर डबल क्लिक करके। न्यू पर क्लिक करके नई विंडो ले लेंगे या फिर फाइल में से जाकर न्यू मेन्यू में से ले लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं फाइल मेन्यू की कमांड्स। ठीक है, फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो फाइल मेन्यू में बेसिक कमांड होती हैं, अधिकतर हमने सभी सॉफ्टवेयर में की हुई होती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, पेज मेकर में, फ़ोटोशॉप में, सभी में की होती है। और वही सारी कमांड होती हैं फाइल मेन्यू में, नॉर्मली बेसिक होती है। फाइल और एडिट मेन्यू में अधिकतर बेसिक कमांड्स होती हैं, उसके अलावा आगे को हार्ड होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम केवल फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है? न्यू होता है नया पेज लेने के लिए, जैसे कि हम हर बार लेते आए हैं। कंट्रोल एन उसकी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल का बटन दबा कर रखेंगे और एन दबाएंगे तो नया पेज आ जाएगा। ठीक है, लेकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या आप क्लिक कर लीजिए, ये आ गया। ठीक, अब दो पेज हो गए हैं, अनटाइटल वन, अनटाइटल टू, ये रहे, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम दोनों को एक साथ देख सकते हैं, इस पर आ जाएंगे तो ये दिखेगा। हम इस पर कुछ बना देते हैं अपनी पहचान के लिए, और उस पर आते हैं तो वो ब्लैंक है, इस पर भी हम कुछ बना देते हैं। तो अब दोनों को देख सकते हैं कि इधर रेड है, इधर ब्लू है, तो ये हमारे दो पेज बन गए हैं। एक को क्लोज़ कर देते हैं, ये कह रहा है सेव करना है या नहीं करना है, नो कर देंगे। ठीक, उसके बाद होता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट होता है कि हम टेम्पलेट में से न्यू ले, इसके अंदर बनी बनाई टेम्पलेट होती है, उनको लेकर उन पर वर्क कर सकते हैं। अगर हमें कुछ वर्क करना है जो कि एक पेज का है, मतलब एक पम्पलेट है, तो वो पम्पलेट के डिज़ाइन इसमें भी टेम्पलेट में दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे और ये टेम्पलेट में से हमें यहाँ पर टेम्पलेट खोल कर देगा। वो खुल रही हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कह रहा है कि आपको क्या चीज़ खोलनी है। ठीक है, यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, हमने ऑल पर क्लिक कर रखा है, तो ये यहाँ का सब दिखाएगा मतलब। और अगर हम यहाँ पर कह देते हैं कि हमें एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई टेम्पलेट इसमें नहीं पड़ी हुई है। अगर आप ऑनलाइन होंगे हाँ, तो कुछ शायद ये दिखा दे, क्योंकि मैं ऑफ़लाइन हूँ, और ऑफ़लाइन इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। उसके बाद हम ब्राउशर का डिज़ाइन देख सकते हैं, ब्राउशर डिज़ाइन इसके पास पड़ा हुआ है, ये रहा एक। ठीक है, हम बिज़नेस कार्ड देख सकते हैं, इसके पास दो बिज़नेस कार्ड के डिज़ाइन भी हैं। इस तरह से हम बिज़नेस स्टेशनरी देख सकते हैं, उसके भी इसके पास क्या बोलते हैं सैम्पल अवेलेबल है, कैटलॉग, सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के नहीं है। जिसका नहीं है और जिसका है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब टेम्पलेट कहलाती हैं। यहाँ पर टाइप्स अलग अलग टाइप्स की हैं, जैसे कि हम बिज़नेस, यहाँ पर था बिज़नेस स्टेशनरी से ये वाला ले लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे, तो हमें ये अनटाइटल फाइल नई खोल के दे देगा टू। ठीक है, वो हमने बंद कर दी थी, फिर ये नई फाइल पर हमें सारा डेटा दे देगा और उसको बस हम एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये लोगो आ रहा है, इस लोगो को हटाकर हम उसका लोगो लगा सकते हैं, जिस बंदे का लोगो हम बना रहे हैं, इन पर डबल क्लिक करके इनको हम सबको सिलेक्ट ऑल करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम इस फ़ोटो को, ये जो ये लगा हुआ है, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये फ़ोटो बना हुआ होता, मतलब लगा हुआ इस तरह से नहीं होता, पूरा ही फ़ोटोशॉप से बना हुआ होता, तो फिर इसको बना के लाते इतना बड़ा। ठीक है, तो अब ये यहीं से बना हुआ है, तो हम इस पर भी कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, इसमें छोड़ो, इसको कंट्रोल क्लिक नहीं करते हैं, और उसके बाद हम इसको आगे को सबको एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक कर करके सारा टेक्स्ट हम अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। ठीक है, डेट टाइम और ये
तो ये बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, इनके हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लू वाला बॉक्स अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको रेड कर सकते हैं, लिखे हुए को रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनको कलर्ड कर सकते हैं, ये लाइंस भी आप कलर्ड कर सकते हैं इस तरह से। इसके लिए लाइन में कलर्ड करने के लिए लेफ़्ट वाला बटन दबाना होगा, और अगर टेक्स्ट में कलर करना है तो राइट वाला बटन दबाना होगा, ठीक है। राइट और लेफ़्ट का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एक आउटलाइन की तरह से होता है, ये आउटलाइन है तो इसको हम लेफ़्ट बटन से दबाएंगे, ठीक। इस तरह से कर सकते हैं, और लेफ़्ट बटन दबाएंगे और राइट बटन दबाएंगे तो इसके अंदर कलर्ड हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आउटलाइन लगी हुई होती है तो वो टेक्स्ट मोटा दिखाई देता है, जैसे इसमें अगर हम पिंक कलर कर रहे हैं तो रेड भी दिखाई दे रहा है, पिंक भी दिखाई दे रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये खाली रेड रेड दिखाई दे या पिंक पिंक दिखाई दे, तो दोनों बटन दबाने पड़ेंगे, लेफ़्ट राइट दोनों, आउटलाइन में भी कलर करना पड़ेगा और टेक्स्ट में भी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं और टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट को बंद करते हैं, नो नो कर दें तो वो बंद हो गया। वेलकम स्क्रीन भी बंद कर दें, फाइल मेन्यू में आएंगे, ओपन कर सकते हैं, अगर हमने कोई फाइल सेव की होगी तो उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कहेगा कहाँ पर पड़ी है, ठीक है। हम कहते हैं कोरल ड्रॉ के इस फाइल में पड़ी है, फाइल्स में, तो ये हैं, हम इनमें से किसी को ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं आपने कोई बना रखी है तो कोरल कंटेंट फाइल्स में जाकर, नहीं बना रखी है हमने कोई, हम कोई फाइल बनाकर उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसमें नाम लिखा और हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर किया इस तरह से, सीधे सीधे कलर किया और इसको हमने सेव कर लिया यहाँ सेव पर क्लिक करके, ठीक। उसके बाद हमने इसको कहाँ पर सेव किया, ये लिखा हुआ आता है ऊपर की तरफ, लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव किया, ये लाइब्रेरी है, यहाँ डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये फाइल सेव हो गई है और हम नई फाइल ले लेते हैं न्यू पर क्लिक करके और उस फाइल को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम ओपन पर आते हैं, तो हमें ओपन पर ये वहाँ लेकर आएगा जहाँ हमारी फाइल बड़ी होगी। ये रही हमारी फाइल, इसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइल ओपन हो गई, तो सीधे सीधे अगर हमने कोई वर्क किया है और उसको हमने सेव कर दिया है तो कल के दिन को हम उसको आकर खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं वहीं से, ठीक है। ओपन रिसेंट, हाल ही में जो फाइल हमने सेव की होगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो हम वो यहाँ से भी क्लिक करके सीधे खोल सकते हैं, वहाँ से ना जाए, ओपन से ना जाए, यहीं से कर ले। ओपन से तब जाना पड़ता है जब फाइल हमने लोकेशन चेंज कर दी हो, मतलब अपनी मर्ज़ी की जगह पर डाल ली हो फाइल, वहाँ से कट करके, तो ओपन में जाना पड़ेगा। अगर फाइल वहीं पड़ी है जहाँ आपने सेव की थी तो यहाँ से भी क्लिक करके खोल सकते हैं, ठीक। क्लोज़ कर सकते हैं हम फाइल को, केवल वही फाइल क्लोज़ होगी जिस पर हमने जिसको ओपन कर रखा होगा, जैसे ये फैज़ान वाली खुल रही है तो यही क्लोज़ होगी, क्लोज़ करने से वो बंद हो गई, ठीक है। दूसरी खुल रही है अभी, अनटाइटल वाली, ये खुल रही है अभी, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, ये अनटाइटल वाली अभी खुल रही है, हम चाहते हैं हम और दो तीन खोलें, दूसरी भी खोल ली हमने, ठीक है, दो खुल गई हैं, एक दो। अब इनको सबको एक साथ बंद करना है तो क्लोज ऑल कर सकते हैं हम वैसे भी, और हम नो कर देंगे तो सारी फाइल्स बंद हो जाएगी, लेकिन कोरल ड्रा बंद नहीं होगा, ठीक है। केवल फाइल्स बंद की हैं हमने, ना कि कोरल ड्रा। तो फिर हम अपनी फाइल खोल लेते हैं रिसेंट में आकर, उसके बाद सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट होता है कि जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया है नया और ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ आगे को जो है जब भी मैं कोई डिज़ाइन बनाऊँ तो मैं इसी को री एडिट कर लूँ, ठीक है। मतलब वही जैसी फाइल वो कोरल ड्रॉ की तरफ से डिफ़ॉल्ट मिली हुई है, मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी फाइल्स जो हैं वो मैं एडिट कर पाऊँ। तो इसको बनाने के बाद, पूरा बनाने के बाद अच्छे से हम उसको सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज टेम्पलेट करेंगे तो वो टेम्पलेट के रूप में सेव होगी। अब ये दिखा रहा है देखो कोरल टेम्पलेट, तो हम इसको कोरल टेम्पलेट को नाम देते हैं फैज, ठीक। इसको हमने सेव कर दिया, ये कह रहा है टेम्पलेट डिज़ाइन नेम बैनर,
और चाहे और चीज़ भी डाल दो या फिर ओके कर दो बस, ठीक है। तो ये हो गया सेव। अब हमने इस फाइल को नई लिया, न्यू फाइल ली मेरा मतलब, और हम फाइल में आते हैं और अब हम टेम्पलेट ओपन करते हैं, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो हम टेम्पलेट देख रहे हैं तो हमें टेम्पलेट नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी वाली टेम्पलेट दिखाई दे, तो इसको ऑल कर लो और नीचे आओ, तो वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। तो माई टेम्पलेट पर क्लिक करना है यहाँ पर, और जो भी तुमने बना रखी होगी वो टेम्पलेट वो यहाँ दिखाई देगी और उसको ओपन कर लेंगे। तो वो एक अनटाइटल फाइल के रूप में आएगी, ना कि किसी के नाम से, ठीक है। और उसको हम री एडिट कर सकते हैं पूरी तरह से, जैसे कि उसमें दिखा रखा है, ठीक। तो इस तरह से हम नई टेम्पलेट बना सकते हैं सेव न्यू टेम्पलेट करके, अपने किए हुए काम पर सेव न्यू टेम्पलेट कर सकते हैं, वो सेव एज टेम्पलेट। और अगर हमने किसी और की फ़ाइल खोली है, जैसे कि ये किसी फैज़ की फ़ाइल है, हम चाहते हैं कि ये मेरे नाम से हो जाए, तो इसको हम सेव एज कर सकते हैं। सेव एज तो आप सभी को आता ही है, और डेस्कटॉप पर हम इसको सेव कर रहे हैं, मतलब सेव एज जो कर रहे हैं हम डेस्कटॉप पर कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप पर कर लेते हैं और इसको हम अपना नाम दे देते हैं। तो ये किसी फेज़ की फ़ाइल थी और ये अब हमारी हो गई, ठीक है। ये देखिए उसका नाम चेंज हो गया और अब इसमें सारे वही चीज़ें हैं। अगर हम इस फाइल को में थोड़े चेंजेस करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें एक ये लगा दिया है, एक सर्कल लगा दिया है और इनमें कलर कर दिए हैं, ठीक। लेकिन सेव जो की थी मैंने उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वापस वैसी हो जाए जैसी मैंने सेव की थी, तो उसके लिए होता है यहाँ पर रिवर्ट का ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने कुछ बढ़ाया होगा सेव करने के बाद और आप चाहते हैं वापस पहले जैसी हो जाए, तो रिवर्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो वो हट जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। इसको बंद करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।